नमरूद की एक बेटी थी जिसका नाम रहीमा था, लेकिन उसे रबा के नाम से पुकारा जाता था। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो इस वक्त वो लड़की ऊपर महल से ये मंज़र देख रही थी। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नमाज अदा करते हुए देखा और आपके इर्द गिर्द बहुत गुलाब के पौधों, पानी और दरख्तों को देखा जिन पर परिंदे चहचहा रहे थे, और दिल में कहने लगी कि मेरा बाप तो कुछ भी नहीं है, कुदरत, इज्जत और बादशाही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जो इब्राहिम का रब है। मेरा वालिद तो झूठा और आजिज है, आदमी को हलाक करने पर भी कादिर नहीं। वो ये सोचती हुई अकेली ही अपने महल से निकली और आग के करीब आ गई। इसने बाहर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा, है इब्राहिम, क्या आपके अलावा भी कोई आपके रब की बारगाह में इजाज़त पा सकता है? आपने फरमाया, हाँ। वो शख्स जिसका दिल मेरे रब के लिए खालिस हो तो आग में इसका हाल भी इसी तरह होगा जिस तरह मेरा है। इसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे रब के साथ सुलह कर लूँ। आपने फरमाया, तो फिर आग में दाखिल हो जाओ। इसने आग में दाखिल होना चाहा तो डर गई। आपने फरमाया, डरो मत। इसी वक्त आग को हुक्म हुआ, है आग, मेरी बंदी की हिफाजत कर। इसके बाद वो आग में दाखिल हो गई। वो जिस जगह पांव रखती अल्लाह के हुक्म से वहाँ से आग ठंडी हो जाती थी। इसी तरह वो चलते चलते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गई और कहने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी आपके दीन को नहीं छोड़ूंगी और अपने जालिम सरकश वालिद को भी दावत दूंगी। हो सकता है वो मेरी नसीहत मान ले। ये कहकर वो वापस आई और अपने वालिद के पास चली गई जो इस वक्त तख्त पर बैठा हुआ था, और इसके लश्करी इसके इर्द गिर्द जमा थे, कुछ खड़े थे और कुछ बैठे थे। वो जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, है मेरे रब, तू कब तक झूठे दावे करता रहेगा? क्योंकि खुदाई और कुदरत व ताकत तो इस खुदा के लिए है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलाब के फूल, सब्ज़ा बागात और बहता दरिया पैदा कर दिया है। बादशाही तो उसकी है, तेरी क्या बादशाही है? तू एक आदमी को नुकसान पहुंचाने से आजिज है और इस पर कादिर नहीं। साथ ही इसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। इसका लानती बाप ये बात सुनकर गुस्से में आ गया और इससे कहने लगा, अपने दीन में वापिस आ जा, अपनी जान पर जुल्म ना कर, वरना मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया वाले इससे इबरत हासिल करेंगे। इसने कहा, मैं दीने हक को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी और ना ही अपने रब की नाफरमानी करूंगी, तू जो चाहे कर ले। इसने ये सुनकर अपने कारिंदों को हुक्म दिया तो उन्होंने इसके कपड़े उतार दिए और इसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने दीन से ना फिरी। फिर नमरूद ने इसके दोनों हाथ काट देने का हुक्म दिया। इसके कारिंदों ने इसके दोनों हाथ काट दिए, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने उफ तक भी ना की। फिर नमरूद ने इसे मुख्तलिफ सजाएं दी, लेकिन वो अपने दीन पर डटी रही, हत्ता के अल्लाह ताला ने
एक फरिश्ते को वही फरमाई के वो जन्नत में जाए और इसके लिए वहाँ से आला पोशाक लेकर इसके पास जाए। वो फरिश्ता पोशाक लेकर इसके पास गया और वो पोशाक इसको दी और साथ अपने नूरानी पर इसके बदन पर मले तो इसके तमाम जख्म अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त हो गए। इसने वो पोशाक पहन ली, फिर एक तेज़ हवा आई और इसे उड़ाकर अनजाने मुकाम पर ले गई। इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है।